एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। और आज जो रेमेडी मैं बताने वाली, पर उससे पहले आप लोगों से जो है थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने सारे जो है मैसेज की, काफ़ी लोगों के तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए और कुछ मेल्स मुझे आई, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और आज की रेमेडी मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। आज जो मैं बताने वाली हूँ कि हम अपने सफ़ेद बालों को काला कैसे कर सकते हैं, मगर आज थोड़ा सा यूनिक स्टाइल होगा और आज मैं उसकी जो है जानकारी देने वाली हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने का बटन जो है नीचे रेड कलर का है, आप उसको प्रेस कर दीजिए, साथ से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ये उनके लिए जो वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, जो मेरे ऑलरेडी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो है सबसे पहले हमें लोहे की कढ़ाई लेनी है। इसमें हमें जो है 2 चम्मच मेहंदी पाउडर लेना है। हम अपने बालों के अकॉर्डिंग लेंगे। बाल आपके छोटे बड़े तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ मैं इसमें जो है इंडिगो पाउडर डालने वाली हूँ। इंडिगो पाउडर भी हमें सेम क्वांटिटी में रखनी है। 2 ही चम्मच हमें इसमें लेने हैं। इसमें जो 2 चम्मच मैं डालूंगी वो हमारे सफ़ेद बालों को काला करेगा। इसे आप जो है इंस्टेंट लगा सकते हैं, मीन्स आपको रात भर आपको भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 से 1.5 घंटा आप इसको जो है इसको ऐसे ही रखिए, उसके बाद आप लगा सकते हैं। साथ के साथ जो है बालों में अच्छा कलर आने के लिए मैं जो 1 पूरा जो है लेमन डालना चाहूँगी, और इसके अंदर पूरा लेमन मैंने 1 डाल दिया है। हाफ लेमन नहीं डालना, पूरा फुल। और यहाँ पर मैंने जो है चाय पत्ती के पानी का जो है जो पानी रखा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें नॉर्मल वाटर हमने ऐड नहीं करना है। इसको अच्छे से आपको घोल लेना है और आप इसको जो अच्छे से कवर कर लीजिए। 1 से 1.5 घंटे बाद आप देखिएगा इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। 1.5 घंटा हो चुका है और अब देखिए इसका कवर मैंने हटाया, क्योंकि इसमें एक्चुअली हमने इंडिगो पाउडर के साथ साथ ये लोहे की कढ़ाई भी है जिसने अपना कलर छोड़ा है। और आप कलर देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। आप इसे अपने बालों पे अब लगा सकते हैं। देखिए कैसे ये जो है मेहंदी में जो है काली हुई, इसको आप मेहंदी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपको पता है मैंने इंडिगो पाउडर मिलाया। काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि इंडिगो पाउडर क्या होता है, कि क्योंकि इंडिगो पाउडर जो होता है एक नील पत्ती जिसे कहा जाता है, और ये किसी भी पंसारी की दुकान पे, नियर बाय शॉप जिन पे जो आपको पता होगा जड़ी बूटियाँ जिन पे मिलती हैं और जिन पे जो हर्बल चीज़ें मिलती हैं उनके पास आपको नियर बाय जो आराम से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैंने भी जैसे आजकल लॉकडाउन जो है पीरियड चल रहा है उस टाइम में मैंने जो है सर्च किया अमेजोन में, काफ़ी सारे जो है ऐप पर मैंने जो सर्च किया वहाँ पर भी अवेलेबल है इस टाइम पर, तो वहाँ से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 85-100 रुपीज़ के 100 ग्राम आपको मिल जाएगा ये, और आप इसको लगा सकते हैं। इंस्टेंट इसका लगाने का तरीका है, मैंने 1 से 1.5 घंटा इसको रखा, थोड़ा सा रेस्ट दिया। इसमें जो मैंने लेमन डाला और जो चाय पत्ती का पानी डाला उससे ये ज़्यादा कलर आया। और मेन है लोहे की कढ़ाई, जो मैंने स्पेशली जो है छोटी सी ये लोहे की कढ़ाई मैंने सिर्फ इस मेहंदी भिगाने के लिए ही रखती हूँ, इसीलिए रखी क्योंकि मैं अपने बालों पर इसी को लगाती हूँ। और आपको पता है कि इंडिगो पाउडर जो होता है ना, नील पत्ती जिसे कहते हैं, नील पत्ती के नाम से भी जाना जाता है, जो पहले के ज़माने में जैसे जीन्स को या ड्रेस को कलर किया जाता जिसे कहते थे रंग रंगाई कहते थे, और वो नीले कलर का होता था। यही चीज़ जो है हमारे अपने बालों के लिए भी, हमारे बाल जो है सफ़ेद से काले होने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप लगाएंगे तो आपके बाल जो है बिल्कुल, जिनके बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 या 3 बार भी लगाना पड़ता है। और जिनके जो मेरे जैसे सॉफ्ट और जैसे फर्स्ट टाइम में ही जो है मेरे ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि आपको देखते होंगे क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा ब्लैक है। और शाइनिंग के लिए जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्दी आने वाली, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि आपकी शाइनिंग कैसे इन बालों में, मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं कोई सीरम नहीं लगाती, कंडीशनर नहीं लगाती, मैं अपने शैम्पू में ऐसी क्या चीज़ मिलाती हूँ जो आप लोगों के साथ जो मैं आज जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बहुत ईजी है, आपके घर पर सभी के घर पर ये अवेलेबल है, और आपके बाल जो है बहुत ही अच्छे टेचर तरीके से जो है सिल्की भी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके ही जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच करें। बाय बाय, टेक केयर। ऐसी होम रेमेडीज में और शेयर करती रहूँगी आपके साथ।